हाय फ्रेंड्स, दिस इज सर्वेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी आज इतना डाउन क्यों रहा, और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि सारे शेयर रेड में क्यों रहे। एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बने रहिए चैनल पर। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा कि यहाँ पर मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी को शेयर को खरीदें या फिर किसी कंपनी के शेयर को बेचें। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। एंड आज कई सारे लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि सर दोपहर में 2:30, 1:30 के बीच में कि सर बजाज फाइनेंस अच्छा है फिर क्यों गिर रहा है, एशियन पेंट भी अच्छा है फिर क्यों गिर रहा है, HDFC बैंक अच्छी है फिर भी क्यों गिर रही है। जो भी अच्छे अच्छे निफ्टी के शेयर हैं वो आज डाउन क्यों हैं। और अच्छा, एक्चुअली क्या है, उनका पूछना भी स्वाभाविक सही है, बट क्या है कि मैं हमेशा, मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे ना, तो यही लर्निंग रहती है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे से अच्छे शेयर नीचे जा सकता है और ख़राब से ख़राब शेयर ऊपर जा सकता है। तो दिस इज़ द बिग लाइन। दूसरी क्या है कि अगर कोई स्टॉक नीचे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हो गया, बेकार हो गया। उसके फंडामेंटल देखिए, फाइनेंशियल देखिए, रिपोर्ट्स देखिए। अगर वो सब कुछ अच्छा है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया तो इट इज़ अ चांस टू बाय, इट इज़ अ चांस टू बाय। बट क्या है, स्टॉक मार्केट ने परसों ही सिग्नल दे दिया था कि थोड़ा बहुत करेक्ट होगा। 5 फरवरी को ही सिग्नल दे दिया था इसने कि मैं थोड़ा बहुत करेक्ट हूँगा, और उसका थोड़ा बहुत रूप कल दिखा, परसों दिखा। परसों थोड़ा पॉजिटिव नोट में रहा, पर मंडे को वो नहीं दिखा पाया, और आज उसमें अच्छी खासी करेक्टनेस आई है, जिसके कारण अच्छे खासे शेयर एक रेंज में मिलने की चांसेस थे। जैसे क्या है आपका, अगर हम ले लें, जैसे क्या है, मैं आपको काउंट कराऊं तो शायद उसमें कई सारे शेयर हैं, PSU को छोड़ के, जो गवर्नमेंट कंपनियां थी उनको छोड़ के, PSU को छोड़ के, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को सेक्टर के, क्योंकि उनमें एक अलग ही टाइप का भी मौसम चल रहा है। एंड अगर हम देखें, चाहे वो आपका नीचे से देखें तो ITC भी अच्छा खासा डाउन रहा, ब्रिटानिया भी अच्छा खासा डाउन रहा, कोटक महिंद्रा बैंक जो पहले से ही बहुत डाउन में ही चल रहा है, और भी थोड़ा सा मौका मिला उसमें बाइंग करने का, ICICI बैंक, ऐसे नेस्ले भी अच्छा खासा डाउन रहा, आइसर मोटर जो एक अच्छी खासी कंपनी है। तो कुल मिला के अगर हम निफ्टी के जितने भी अच्छी कंपनियाँ देखें, HDFC बैंक हो, HDFC लाइफ हो, या फिर बजाज फाइनेंस हो, कोई भी हो, मारुति वगैरह, तो हर एक कंपनी में आज डाउनफॉल रहा। और उसके रीजन कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती है। मैंने भी न्यूज देखा कि क्या न्यूज है, तो मुझे तो कोई न्यूज नहीं मिला, बस शेयर मार्केट हाइलाइट्स 8 फरवरी, सेंसेक्स एंड निफ्टी आफ्टर RBI डिसीजन टू होल्ड रेपो रेट। ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई चीज़ें हैं कि कोई पॉइंट आ गया, कोई घट गया, इससे कुछ होने वाला नहीं। 2 दिन बाद फिर मार्केट ऊपर जाने लगेगा। यहाँ से क्या होता है कि डराया जाता है कि अच्छे अच्छे शेयर में और वो लोग अपनी बाइंग कर रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर ट्रेडर होते हैं, तो यहाँ से आपको डरना नहीं है। एंड अगर हम देखें तो HDFC में एक अच्छी खासी गिरावट आई, तो दैट वाज अ चांस टू, जो शेयर 200 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा चांस था। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक अभी थोड़ा 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट उसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई है। फिर अगर हम बात करें एशियन पेंट में, तो एशियन पेंट में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। तो ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें गिरावट आई, बट क्या है कि गिरावट क्या हमेशा बनी रहेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं बनी रहेगी, बिकॉज ये सब ऐसे ही चलता रहता है मार्केट में। बजाज फाइनेंस में भी अच्छी खासी गिरावट आई, 3% के आसपास, 2-2.5% के आसपास गिरा, फिर उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी भी की, बट क्या है कि वो उतना रिकवर नहीं कर पाया, बिकॉज लोगों अच्छी खासी बाइंग भी बनी होगी यहाँ पर। एंड ब्रिटानिया का शेयर भी अच्छा खासा गिरा, एंड अगर हम बाटा भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, और अगर हम और भी देख लें स्टॉक, तो कुल मिला के जो स्टॉक्स हैं ना, सारे स्टॉक गिरे। और वो कौन कौन कंपनियाँ गिरी, जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, अगर आपको उन कंपनियों पर डाउट है तो आप एक बार फाइनेंशियल देख लीजिए, स्क्रीनर पर जाइए और कोई भी कंपनी डाल दीजिए, HDFC बैंक, सबके हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आए, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आए, तो कंपनी खराब नहीं हो गई। दैट इज द चांस टू बाय समथिंग जो अपने पोर्टफोलियो में आने लायक था। सो ये मैं आपको सिर्फ एक मैसेज के द्वारा बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई शेयर नीचे आए ना, तो हमेशा उसके फाइनेंशियल अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप, हाँ, कोई न्यूज आ गई है, और कोई न्यूज के बेस पे स्टॉक मार्केट 5-10% गिर सकता है, नो डाउट, बट क्या है कि अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन कोई न्यूज अगर पूरा बिजनेस को ही डिस्ट्रॉय करने लायक है, जैसे पेटीएम की बात है, तो एक बात अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी के सारे शेयर डाउन है, सेंसेक्स के सारे शेयर डाउन है, तो मार्केट में समझा सकता है कि ठीक है, आज देखने लायक का चांस नहीं है। ऐसे दिन तो मार्केट को देखना ही नहीं चाहिए, अगर इफ यू आर नॉट हैविंग मनी टू बाय समथिंग, बस शांत बैठ के कुछ और काम कर लो। तो दिस इज़ द बिग थिंग्स हियर, दिस इज़ द बिग मैसेज फ्रॉम माई साइड, कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो मेरे हिसाब से ये मैसेज था कि ऐसा डरना नहीं चाहिए,
बने रहो, कोई दिक्कत आए तो यू कैन मी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं रिप्लाई जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दे रहा हूँ और देता हूँ। बट आपको डरना नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी तभी आगे बढ़ेगी जब आपकी खुद की कन्विक्शन होगी, आप खुद समझ के स्टॉक को बाय करेंगे। समझने के लिए आपको बिजनेस देखना पड़ेगा, समझने के लिए आपको फाइनेंशियल चेक करने पड़ेंगे, समझने के लिए आपको चार्ट पैटर्न देखने पड़ेंगे, फिर आपको इन सब तीनों चीज़ मिला के अपना खुद का कॉन्फिडेंस लगा के अपनी हार्ड अर्न मनी लगानी पड़ेगी, तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी आएगी। किसी के कहने पर खरीद लेंगे, इफ़ आई एम मेकिंग द वीडियो और मैं मेरे कहने पर खरीद लेंगे तो फंस जाएंगे। बेसिकली मैं बोलता हूँ कि ये सब पढ़ने के लिए वीडियो, आप स्टडी पर्पज से लीजिए फिर आप आगे बढ़िए। तो ये दिस वॉज द मैसेज, आई होप आपको ये मैसेज समझ में आएगा, क्लियर लगा होगा। कुछ क्वेरी हो इसके बारे में तो ही बता लीजिए। तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए और कुछ सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे वीडियो अवेटेड है, आने वाले हैं, सो एंजॉय दैट।